लोग बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज हम तैयार हुए हैं क्योंकि आज हमारे घर में पूजा है और पूजा के लिए हम रेडी हुए हैं। वैसे इतना जोश वाला पूजा नहीं होता, वही है तो मेरे घर में है तो हम ऐसे रेडी हो गए हम कहीं पूजा में बैठने। और आप लोग बताइए, आप लोग भी घर में पूजा होते हैं कमेंट जरूर करिएगा, जिसके जिसके घर में पूजा होते हैं बताइएगा हमको कमेंट करके। और मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करिए प्लीज़, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग रील्स को जितना शेयरिंग करोगे उतना मुझे प्रॉफिट होगा, इसलिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर दूँ। बट आप रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, मुझे पता है आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हो और बहुत अच्छा भी मुझे लग रहा। लेकिन आगे से हम सिर्फ इतना कहेंगे, आप लोग कैसे मेरे वीडियो को एंजॉय करके देखो और खूब कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो कि हम कैसे दिख रहे हैं। वैसे भी हम तो सिर्फ आप लोग के लिए चाहते हैं कि पूरा टाइम आप लोग को दें, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं है। और मैंने नया काम कर लिया है और ये नहीं है बहुत कम रेंज के, लेकिन हाँ आप लोग को पसंद नहीं बुलाएंगे, नया है, मैंने ना ऑर्डर करके मंगाया है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो हम पहन लिए हैं। और वीडियो बनाने के लिए रील्स बना रहे थे तो हम पहन लिए, तो रील्स बनाने के लिए हम पे थोड़ा सा थोड़ा हटके होना चाहिए जिससे आप लोग अच्छा भी लगे। तो फिर हम कहें अब जैसे तैयार हैं ऐसे पूजा में भी चले जाते हैं, तो बस इसलिए मेरी बेटी अभी आएगी तो बाल बना देगी और हम वैसे मेकअप कर ही लिए हैं और हमने उसी के हाथ से बाल वही बनाती है तो मुझे अच्छा ज़्यादा लगता है। मैंने को दिखाया भी था अगले ब्लॉग में कि आप लोग देखिए मेरी बेटी कितना अच्छा बाल बनाई, और बहुत लोग का कमेंट और उसमें शायद 300 कुछ हमको उसमें व्यूज़ आए हैं, क्योंकि उसे बहुत लोग देखे हैं, कमेंट काफ़ी लोग का आया है और हमको भी अच्छा लगा। तो आप लोग सपोर्टिंग बहुत अच्छा कर रहे हो हमें। साड़ी कैसी है कमेंट जरूर करिएगा, ये साड़ी की हम अपने से पहने हैं देख लीजिए और हम कैसे दिख रहे हैं मुझे जरूर कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा। और हम चाहते हैं कि हम आप लोग को कितना अच्छे से सब कुछ समझाएं मेरे घर में। अब क्योंकि पापा जी नहीं है ना तो पापा जी के लिए पूजा किया जाता है, कोई पूजा है तो फिर 15 दिन का 7 दिनों का पूजा होता है। फिर इसके बाद सासू माँ, तो सासू माँ का तो पूजा नहीं होगा, सिर्फ ससुर का होगा, और हमारे हस्बैंड भी नहीं है तो उनका भी पूजा होगा। और मेन बात है आज मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आज इनका बर्थडे है क्योंकि 2 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है और हम थोड़ा सा दान पुण्य ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि उनके बर्थडे के लिए कुछ ज़्यादा कर, लेकिन मेरे पास उतना इनकम नहीं है क्योंकि हम दान नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ मंदिर में जाके पूजा करेंगे और बेटियों को लेके हम, मेरी बेटी और हम तीनों जाएंगे, पूजा वूजा करेंगे उनके आत्मा को शांति के लिए, भगवान उनको आत्मा की शांति दे। जितना भी मेरे साथ थे मुझे पता है कि जो आया वो जाएगा भी, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ही करें, थोड़ा सा दिक्कत तो है घर में, लेकिन अब मुझे इतना वो नहीं होता। हम सोचते हैं कि अपना लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ अच्छी सेटल करें, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम कर लेंगे, मुझे पता है। बस आप लोग अपना सपोर्ट हम पे बनाए रखिए और हमें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि हम थोड़ा सा मुकाम पे जाएं, और आप लोग का सपोर्ट की वजह से हम मुकाम पे नहीं जा पाएंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे इतना सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए जितना हो सके, उतना शेयरिंग करिए और लाइक फॉलो कमेंट सब कुछ करते रहिए। और आप लोग प्लीज़ अपना मेरा सोनी सिंह को इतना सपोर्ट करना होगा कर लीजिएगा प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आप लोग का रिक्वेस्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और जितना आप लोग देखें उतना शेयरिंग करिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़ धन्यवाद।